हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार सिंह आईपीटी स्कूल से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं कंप्लीट एमआईएस रिपोर्ट ऑटोमेशन। अब तो मेरा ऐप भी आ गया है, तो नीचे लिंक है, डाउनलोड कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आज हमारे साथ एक वीर सिंह जी हैं, जो उन्होंने मुझे व्हाट्सएप किया है, और उनकी एक छोटी सी प्रॉब्लम है, बट छोटी सी प्रॉब्लम है। उस छोटी सी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है, चलिए इस चीज को समझते हैं और सॉल्व कैसे करेंगे। बस छोटा सा है और काफी देर से वो परेशान हो रहे हैं सर। तो प्रॉब्लम ये है कि उनकी एक ड्राइव में, एक लोकेशंस में काफी सारे वीडियोज फोटोज रखे हुए हैं, और फोटो का जो नाम है वो एक आईडी है, और एक सेल पे बहुत सारे जगहों पे आईडी रखी हुई है। वो चाहते हैं जब थ्री पे क्लिक करूं, जो थ्री का फोटो जो खुल के भी आ रहा है, थ्री का फोटो खुल के आ जाए यहां से। बस इनका छोटा सा काम है, ऐसा कि मैंने कर दिया है, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि मैंने इसके लिए क्या कोड लिखा है। तो उसके लिए हम चलते एक नई सीट पे। मैं सारे कोड्स जो है यहां पे लिख देता हूं, और फिर राइट क्लिक करता हूं, मैं जाता हूं व्यू कोड, यहां पे व्यू कोड, और यहाँ पे सिलेक्शन। जी हाँ, क्योंकि सिलेक्ट करते ही चाहते हैं, तो सिलेक्शन सिलेक्शन में कुछ नहीं, यहाँ पे कोड देना है यहाँ पे सिंपल एक्टिव वर्क पोक डॉट फॉलो हाइपरलिंक, और यहाँ पे अपने एड्रेस का पा अपने इसका उस फोल्डर का पाथ देना है। पाथ दे दिया हमने, और फिर यहां हमने फोटो डाले, स्लैश किया, और जहां पे कर्सर है वो फाइल नेम है, तो यहां पे हम कर देते हैं एक्टिव सेल डॉट वैल्यू, और एक्सटेंशन तो डालना ही पड़ेगा, तो यहां पे डॉट जेपीजी। इसमें और भी चीजें हैं, जैसे कि कोई सब एड्रेस है, या कोई नई विंडो पे खोलना है, हिस्ट्री में ऐड करना नहीं करना है, ये चीजें भी दे सकते हैं, लेकिन फिलहाल छोड़ दीजिए, ये इंटरनेट वर्क भी होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये दिक्कत क्या होगा कि कोई भी सेल पे क्लिक करेंगे तो यहां देखिए एरर दे रहा है, दिया है। क्यों? क्योंकि हमें तो एक पर्टिकुलर एरिया पे क्लिक करना है ना, भाई 1 से लेके 5 तक। तो यहां पे आपको कंडीशन देना पड़ेगा कि इफ एक्टिव सेल, या टारगेट भी कर सकते हैं, एक्टिव सेल डॉट रो इज लेस देन इक्वल टू 5, और डॉट कॉलम इक्वल टू 1, देन ये वर्क करे, अदरवाइज वर्क ना करे। एक बार देख लेते हैं, मैं कहीं भी क्लिक करता हूं तो कुछ नहीं हो रहा, लेकिन जैसे हम 2 पे क्लिक करते हैं 2 का फोटो आ गया, 3 पे क्लिक किया 3 का फोटो आ गया, 4 पे क्लिक किया 4 का फोटो, 5 पे क्लिक किया 5 का फोटो आ गया। इस तरह से आप फाइलों को, किसी भी इमेज फाइल को बंद ओपन कर सकते हैं। तो जस्ट उसने उस लिंक को फॉरवर्ड कर दिया। बट उनका अगला क्वेश्चन है कि अगर गूगल ड्राइव में हो तो कैसे हो, गूगल ड्राइव में हो तो कैसे हो। तो सारी चीजें एक वीडियो में बताना सही नहीं रहेगा, आप इसकी खुद से प्रैक्टिस कीजिए, और अगली वीडियोज में हम इस चीज को सॉल्व करेंगे कि कैसे आप किसी और गूगल ड्राइव से या किसी और FTP पाथ से भी इमेजेस को ओपन कर सकते हैं। इसको हम आगे क्लास में बताएंगे, और जो लोग मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले, और मेरा नंबर भी नोट कर लें, और साथ में आप मेरे साथ लाइव चैट के जरिए कुछ भी प्रॉब्लम की सोल्यूशन चाहते हैं, या फिर मेरे सारे वीडियो सिक्वेंस में चाहते हैं, तो मेरा मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। थैंक यू।